अच्छी खबर, पटना के बाद अब बिहार के अन्य शहरों में शुरू होगा ओला उबर। बिहार के 13 शहरों में शुरू होगी ओला उबर और रैपिडो की सर्विस। ओला उबर कैब के लिए परिवहन विभाग ने भी दे दी है मंजूरी। रैपिडो जैसी कंपनियों की सर्विस से लोगों को मिल सकेगा रोजगार का नया मौका। दरअसल बिहार के रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हां, राजधानी पटना में ओला उबर रैपिडो टैक्सी कैब सर्विस तो सफल रही, लेकिन अब बिहार के 13 शहरों में भी ओला उबर मिनटों में आप बुक कर सकेंगे। इससे शहर में आने जाने वाले लोगों को बेहतर सुविधा भी मिलेगी। इसको लेकर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी एग्रीगेटर कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश भी दे दिया है। आपको बता दें कि जल्दी बिहार के 13 शहरों में टैक्सी कैब की सेवा शुरू होने वाली है। इस दौरान पहले फेज में दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, रोहतास, कटिहार, किशनगंज जिले में बाइक और टैक्सी की सर्विस शुरू की जाएगी। यह काम दो चरणों में किया जाएगा। ऐसे में दूसरे चरण में 25 जिलों में कैब की सुविधा मिलने लगेगी और इस तरह कुल मिलाकर 38 जिलों में टैक्सी और बाइक की सुविधा मिलने लगेगी। आपको बता दें कि बीते शनिवार को परिवहन सचिव ने बोधगया में IIM स्थित परिवहन कार्यालय के काम का रिव्यू करने के साथ ही अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी। इसी मीटिंग में सभी एग्रीगेटर प्रतिनिधियों को निर्देश भी दिया गया था। बता दें कि मीटिंग में परिवहन सचिव ने संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कैब में चलने वाली गाड़ियों के लिए कैंप लगवाया, उनका कन्वर्जन कराएं, गाड़ियों का फिटनेस चेक करें और फिर परमिट दें। परिवहन सचिव ने कहा कि कैब कंपनियां बिहार के शहरों में अपनी प्रीपेड बाइक और टैक्सी सेवाएं जल्द ही शुरू करें। वहीं आपको बता दें कि बीते रविवार को भी संबंधित विभाग की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है और इसके मुताबिक बिहार में पहले चरण में 13 शहरों में और दूसरे चरण में 25 जिलों में टैक्सी कैब की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान ओला उबर सवारी मिथिला की और रैपिडो जैसी कंपनियों की सर्विस मिलने से यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ेगी और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। बिहार के लोगों को सुरक्षित, सुगम और किफायती यात्रा का अवसर भी मिलेगा। वहीं परिवहन विभाग के इस कार्य को लेकर आप क्या बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा।